एक आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि जिन्हें हम अपना रक्षक समझते हैं वही भक्षक निकल गए हैं। समझ रहे हैं आप लोग? कहने का मेरा सीधा सा मतलब यह है कि आप देखते हैं कि मीडिया को यानी कि प्रेस को हम लोग अपने लोकतंत्र का एक तरह से आप कहिए कि चौथा स्तंभ कहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन आज इनके कर्तव्यों को आप लोग देखिए, जो इनके कर्तव्य हैं, जो इनके काम है, इनका भारत भारतीय मीडिया के इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है उस काम से। अभी स्टूडेंटों के देखिए आप लोग आंदोलन चलाया गया, आप देखिए ट्विटर पर आपने देखा है किस तरह से उन्होंने अटेंड कराया, उस पर आपने कोई रिपोर्ट नहीं हुई। कई बच्चों पर, कई बच्चियों पर आपने देखा है कि डंडे बरसाए गए पुलिस प्रशासन के द्वारा, सरकारों के द्वारा, उस पर आपने देखा है कोई मतलब रिपोर्ट नहीं आई है। बेरोजगारी पर आप देखिए कोई रिपोर्ट नहीं है। आप देखिए अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरह से चरमरा चुकी है। ठीक है, ये अलग बात है, लॉकडाउन की कुछ उसमें आप देखिए कोरोना महामारी की भी योगदान है अर्थव्यवस्था के गिरने में, और उससे पहले भी आप देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था हमारी पहले से ही खस्ता हालत में थी। हाँ, लेकिन जितनी कमी थी वो आपकी कोरोना महामारी ने पूरी कर दी, तो उसे भी आप देखिए उस पर कोई ज्यादा बहस नहीं हुई है। और भी आप देख लीजिए कोई ऐसा मुद्दा जो हमारे देश को आगे ले जाने का हो, ऐसा कोई आपको मुद्दा कभी नहीं मिलेगा। आपको दो चार मिर्च मसाले वाले मुद्दे लेंगे, उसी को ये दिन भर चलाते रहेंगे, 10 दिन के बाद वो खत्म होगा तो दूसरा ले आएंगे, जनता उसी में व्यस्त रहती है। और मैं उन्हें जिम्मेदार नहीं मानता हूं मीडिया को। चलिए वो तो अपना काम कर रहे हैं, अपना पैसा कमाने के लिए, टीआरपी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन हम लोग तो वही देखना पसंद कर रहे हैं। अगर हम वो ना देखे देखते होते तो शायद वो ना चलाएं, कभी ना चलाएं। हम लोग देखना बंद कर दें, कल से रोड पर आ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमारी उसमें उतना ही योगदान है। आप कहें कि हमारे देश के भ्रष्ट नेता, आप देखते हैं कि आधे से अधिक नेता आपको वो देखने को मिलेंगे जो बलात्कारी हैं या जो गुंडा हैं, जो मर्डर किए हुए हैं, जो डकैत हैं, उन्हें हम चुनकर भेजते हैं। विधायक हो आपके, फिर सांसद हो, सांसद हो, कोई भी हो आप, लोकसभा सदस्य देख लीजिए या विधानसभा सदस्यों को देखिए। अब उसमें कहें आप लोग कि वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, हमारे देश के लिए कुछ नहीं कर रहे, तो आप खुद जिम्मेदार हैं उसके लिए। आपको मालूम है कि ये बलात्कारी है, ये डकैत है, फिर भी आप उसी को जिताते हैं। और इस समय में मुझे लगता है कि आप सोचिए कि एक ईमानदार व्यक्ति मुझे नहीं लगता है कि चुनाव जीत पाएगा, क्योंकि आप जो जितने मर्डर करता है उस हिसाब से मुझे लगता है कि जीतने की संभावना बढ़ जाती है उसकी। वो इसी का हम लोग परिणाम भुगत रहे हैं देश। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए खैर छोड़िए, मीडिया के बारे में हम लोग बात करते हैं। आखिर मीडिया की स्वतंत्रता कितनी है? आप देखते हैं कि आजकल के मीडिया के जो एंकर हैं वो इस तरह से बात करते हैं जैसे कोई गुंडा माफिया बात कर रहा हो, इतने चिल्ला के बात करते हैं जैसे कोई माफिया बात कर रहा हो आप लोगों से। आप लोग देखते रहते हैं वीडियो, तो आप समझिए मीडिया का ये काम थोड़ी है, और इसी को हम लोग भुगत रहे हैं और भुगतेंगे। ये सोचिए, देखिए इतिहास का एनालिसिस यानी कि सही क्या हुआ है, गलत क्या हुआ है, इसका आज से आप सोचिए कि 100 साल 150 साल बाद किया जाएगा कि सही क्या था, कौन गलत था, कौन सही था, आवाज उठाने वाला गलत था या आवाज जमाने वाला गलत था। क्योंकि आज देखते हैं आप लोग कि इंदिरा गांधी ने कितने अच्छे अच्छे काम किए, उन्होंने कई अच्छे काम किए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए कि वो बांग्लादेश आजाद होना, देख लीजिए भारत पाकिस्तान युद्ध, फिर भी उन पर जो 1975 से 77 का जो आपातकाल लगाया उनकी वजह से आज भी उन पर मतलब एक तरह से धब्बा लगा हुआ है। समझ रहे हैं? तो आज से आने वाले समय में हम लोग करेंगे एनालिसिस, मतलब मालूम हमारी आने वाली जो भी पीढ़ी होगी वो बताएगी सही क्या था, गलत क्या था। आज तो हम लोग वोट, इस तरह की राजनीति चल रही है, धर्म राजनीति, समूह जाति पाति। अब बिहार के चुनाव को आप लोग खुद ले लीजिए, मुझे लगता है कि एक दो मामले जो मीडिया में छाई हुई उसी पर पूरा खत्म हो जाएगा चुनाव। बल्कि आप जानते हैं कि बिहार में अब शिक्षा बेहतर नहीं है, स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, रोजगार का कोई मामला नहीं है, महिलाओं की स्थिति देख लीजिए, बाढ़ की स्थिति देख लीजिए, इन ये चर्चा में नहीं है वहां। समझ रहे हैं? तो उसी का परिणाम आप भुगत रहे हैं। हाल ही में आपने देखा है कि उच्च न्यायपालिका ने एक आदेश पारित किया है जो मीडिया के विनियमन से संबंधित है। एक आदेश में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य के पूर्व महाधिवक्ता से जुड़े एक मामले के संबंध में कुछ भी उल्लेख करने से और मीडिया और यहां तक कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। दूसरे मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें एक समाचार चैनल के शेष एपिसोड के प्रसारण को रोक दिया क्योंकि यह एक विशेष समुदाय को तिरस्कृत कर रहा था। जो यूपीएससी का मामला था ना मुस्लिमों का, आपने देखा होगा सुदर्शन टीवी, उसी की बात कर रहा हूं।
हालांकि दोनों आदेशों के प्रभाव का वाक स्वतंत्रता और जानकारी प्राप्त करके नागरिकों नागरिक अधिकारों पर होंगे, उन्हें अलग अलग संदर्भों में देखा जाना चाहिए। जहां प्रथम आदेश संभावित मानहानि या गोपनीयता के हस्तक्षेप को रोकने या मुकदमे या जांच की निष्पक्षता की रक्षा करने के लिए परिकल्पित किया जा रहा है, तो वहीं दूसरे को घृणा के प्रचार पर रोक लगाने के रूप में देखा जा सकता है। इस संदर्भ में व्यक्तिगत अधिकारों एवं स्वतंत्रता स्वतंत्र प्रेस के मध्य उचित संतुलन की आवश्यकता है। इस तरह के क्वेश्चन आप देखेंगे कि आपके मेंस के लिए अधिक आप लिखित परीक्षा जो भी होती है उनके लिए कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपके, और आपकी सोच भी यही पता चल जाती है कि आप किस तरह से सोचते हैं। प्रेस की अगर स्वतंत्रता की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो वाक स्वतंत्रता इत्यादि के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। प्रेस की स्वतंत्रता को भारतीय कानूनी प्रणाली द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षित नहीं किया गया है, लेकिन यह संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत संरक्षित है, जिसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। बस 1950 में रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि सभी लोकतांत्रिक संगठनों की नींव पर प्रेस की स्वतंत्रता पर आधारित होती है। हालांकि प्रेस की स्वतंत्रता भी असीमित नहीं होती है, नहीं होती है, असीमित नहीं होती है। एक कानून इस अधिकार के प्रयोग पर केवल प्रतिबंधों को लागू कर सकता है जो अनुच्छेद 19(2) के तहत स्वीकार है। भारत की संप्रभुता और अखंडता के हितों से संबंधित मामले, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता या फिर न्यायपालिका की अवमानना के संबंध में मानहानि या फिर अपराध का प्रोत्साहन। स्वतंत्र मीडिया का महत्व अगर आप देखें तो स्वतंत्र मीडिया विचारों की मुक्त चर्चा को बढ़ावा देता है, जो व्यक्तियों को राजनीतिक जीवन में पूरी तरह से भाग लेने, निर्णय लेने की अनुमति देता है और परिणाम स्वरूप समाज को सशक्त करता है, विशेष रूप से भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में। लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए विचारों का स्वतंत्र आदान प्रदान, सूचना और ज्ञान का आदान प्रदान, बहस और विभिन्न दृष्टिकोणों की अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण होती है। जनता की आवाज होने के आधार पर स्वतंत्र मीडिया उन्हें राय व्यक्त करने के अधिकार के साथ सशक्त बनाता है। इस प्रकार लोकतंत्र में स्वतंत्र मीडिया महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र मीडिया के साथ लोग सरकार के निर्णयों पर प्रश्न करने करके अपने अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम होते हैं। ऐसा माहौल तभी बनाया जा सकता है जब प्रेस की स्वतंत्रता प्राप्त हो। अब मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी माना जाता सकता है। अन्य तीन स्तंभों की बात करें तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसके बाद मीडिया चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। वर्तमान में मीडिया से संबंधित मुद्दों की बात करें तो निजता का अधिकार प्राकृतिक अधिकारों से उत्पन्न होता है, जो बुनियादी निहित एवं अपरिहार्य अधिकार होते हैं। अनुच्छेद 21 जो जीवन के अधिकार की गारंटी देता है और गोपनीयता के अधिकार को भी गारंटी देता है। कई बार मीडिया ने निष्पक्ष रिपोर्टिंग की अपनी सीमाएं पार की हैं और व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप भी किया है। अरुषि तलवार हत्या मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि किसी जांच में पारदर्शिता और गोपनीयता दो अलग अलग चीजें हैं। जहां सर्वोच्च न्यायालय ने मीडिया की एक वर्ग की रिपोर्टिंग पर प्रश्न उठाए जिसके परिणाम स्वरूप पीड़ित उसके परिवार के सदस्यों की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। फिर आप बात करेंगे मीडिया ट्रायल। सहारा बनाम सेबी 2012 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि अदालत स्वतंत्र ट्रायल और एक स्वतंत्र प्रेस के अधिकार के संतुलन पर निवारक राहत प्रदान कर सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे कई बार सर्वोच्च न्यायालय का विचार था कि मीडिया मुद्दों को इस तरह से कवर करता है कि एक ट्रायल की तरह लगता है। चूंकि मीडिया द्वारा इस तरह के ट्रायलों ने से न्यायपालिका और न्याय कार्रवाई की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होती है, अतः न्यायपालिका के कामकाज में भी हस्तक्षेप करता है। आप लोग कभी कई बार तो एक भी देखेंगे कि सीबीआई जांच नहीं कर रही, उसके सुप्रीम कोर्ट निर्णय नहीं दे रहा है, ये मीडिया ही फाइनल कर रही है कि किसे सजा देनी चाहिए, किसे माफ कर देना चाहिए। इस तरह के मुद्दे आप लोगों को बोलते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। और याद रखिए, जिस देश की मीडिया अगर पक्षपात करने लगी, सरकारों के साथ मिलकर चलने लगी, उस देश का भंडाधार होता है। मीडिया का काम है कि कोई भी सरकार आए उससे सवाल पूछे, उससे इस तरह के मामलों पर बात करे कि देश में क्या चल रहा है, लेकिन अधिकतर मीडिया को आप जान रहे हैं। पेड न्यूज और फेक न्यूज सार्वजनिक धारणा को तोड़ मरोड़ सकती है एवं समाज के अंदर विभिन्न समुदाय के मध्य घृणा, हिंसा,
तथा असामंजस्य उत्पन्न कर सकती है। निष्पक्ष पत्रकारिता की अनुपस्थिति एक समाज में सत्य की चूंटी विस्तृति को जन्म देती है जो लोगों की धारणा और विचारों को प्रभावित करती है। अभी आपने देखा है महाराष्ट्र का मामला ले लीजिए, रिया चक्रवर्ती जो भी रहे हों, कंगना रनौत, संजय राउत, फिर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, जो भी मुद्दे रहे हों, लॉकडाउन चल रहा है, महामारी ने देश को किस तरह से कवर किया है, आप देखते हैं किस तरह से केस डेली बढ़ रहे हैं, बिहार में किस तरह से बाढ़ आई हुई, इस तरह के मुद्दे उठाना चाहिए था। मीडिया का तो यही काम है ना। रिया चक्रवर्ती ने जो गलत काम किया है उसकी सजा अगर उन्होंने किया है और सीबीआई जांच कर रही है, एक सर्वोच्च एजेंसी है सीबीआई, उसके निर्णय को हर कोई मानता है, अगर ऐसा है तो मैं तो कहता हूं सजा मिलना चाहिए, गलत है अगर ऐसा है। लेकिन आप कहें कि आप लोग सुबह से शाम तक चलाते रहे कि वो खाना खा रही है, उसने 2 बार खाना खाया, 3 बार, वो 10 बजे घर से निकली, ये मुद्दा देश का थोड़ी है कोई कि एक ही मुद्दे को आप लोग 24 घंटा चलाए जा रहे हैं, समझ रहे हैं? मतलब हम लोगों को खुद सोचना चाहिए इस बात। आगे की राय की बात करूं अगर हम लोग, तो एक संस्था का ढांचा मजबूत करना, भारतीय प्रेस परिषद एक नियामक संस्था मीडिया की को चेतावनी दे सकती है और विनियमित कर सकती है कि अगर यह पाती है कि एक समाचार पत्र या समाचार एजेंसी ने मीडिया नैतिकता का उल्लंघन किया है तो न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन को वैधानिक दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए, जो कि निजी टेलीविजन समाचार एवं करंट अफेयर्स ब्रॉडकास्टर्स का प्रतिनिधित्व करता है। मैं तो कहता हूं कि इस तरह की एक एजेंसी बनाई जानी चाहिए कि जो अगर मीडिया इनका नियम निर्धारित कर देना चाहिए, अगर उनका उल्लंघन करता है तो उसकी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, उनका लाइसेंस भी पूरी तरह से रद्द कर देना चाहिए, समझ रहे हैं आप लोग? तब मुझे लगता है कि देश में वही मुद्दे चलेंगे जो जरूरी है। फेक न्यूज से निपटना, मीडिया में विश्वास बहाल करने के लिए मीडिया स्वतंत्रता को कम किए बिना मीडिया सामग्री से छेड़छाड़ और फेक न्यूज का सामना करने के लिए सार्वजनिक शिक्षा नियमों को मजबूत करने और प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा न्यूज क्यूरेशन हेतु उपयुक्त एल्गोरिथम बनाने के प्रयास की आवश्यकता है। फेक न्यूज पर अंकुश लगाने के भविष्य के किसी भी कानून को पूरी तस्वीर को ध्यान में रखना चाहिए, मीडिया को दोष नहीं देना चाहिए एवं बिना सोचे प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। नए मीडिया के सहयोग में कोई भी अज्ञात लाभों के लिए खबर बना सकता है और प्रसारित भी कर सकता है। मीडिया द्वारा नैतिकता का पालन यह महत्वपूर्ण है कि मीडिया सत्यता और सटीकता, पारदर्शिता, स्वतंत्रता, उचितता एवं निष्पक्षता, उत्तरदायित्व जैसे मुख्य सिद्धांतों का पालन करे। स्वतंत्र अभिव्यक्ति और अन्य समुदाय एवं व्यक्तिगत अधिकारों के मध्य संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। यह जिम्मेदारी केवल न्यायपालिका द्वारा नहीं बल्कि उन सभी लोगों द्वारा वहन की जानी चाहिए जो इन अधिकारों का प्रयोग करते हैं। एक तरह से आप कहिए कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपको कोई संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, तो ऐसा नहीं कि आप इस स्वतंत्रता का फायदा उठाने के लिए आप कहें दूसरे को गाली देने लग जाए, आप कोई ऐसा संगठन बना दें जो देश की अखंडता एकता के लिए नुकसान पहुंचाए, ठेस पहुंचाए, तब तो आपके जो अधिकार हैं उन पर प्रतिबंध लगता है ना। तो इस तरह से याद रखिए अपने अधिकारों के लिए, दूसरे के अधिकारों का ऐसा ना कि हनन करने लग जाए। तो इसके बारे में आप लोग पढ़ते रहिए, मीडिया के बारे में थोड़ा जाना, क्योंकि इससे क्वेश्चन देख के जाते रहे, ठीक।